खबर गाजीपुर जनपद से है। सिद्धपीठ हथियाराम मठ में गुरुपूर्णिमा का पर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। स्वजनपद सहित देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में शिष्य श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बुढ़िया माई का दर्शन पूजन एवं पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति महाराज का चरण वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। काफी संख्या में यहां दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। भक्तों ने पूरे समर्पण भाव से गुरु चरणों में शीश नवाया। इस मौके पर अपने ब्रह्मलीन गुरु महामंडलेश्वर स्वामी बालकृष्ण यति का पूजन अर्चन के माध्यम से सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति महाराज ने गुरु पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अपने शिष्यों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से मनुष्य अपने जीवन के कठिन से कठिन समय को पार कर लेता है। गुरु के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे शास्त्रों में एक दिन उनके नाम किया गया है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस अवसर पर मठ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा गुरु पूजा के बाद श्रद्धा के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया गया। इस अवसर पर जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी, संत देवरहा बाबा स्वामी अभयानंद, रमाशंकर राजभर, डॉक्टर सानंद सिंह, डॉक्टर संतोष मिश्रा, संतोष यादव, मंगला सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सहित गाजीपुर जनपद के साथ ही आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, चंदौली, मऊ सहित विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सिद्धपीठ भुरकुड़ा मठ पर पीठाधीश्वर शत्रुघ्न दास महाराज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य से हमारा साक्षात्कार कराने में गुरु की महत्ता सबसे अधिक है। गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान के अभाव में हमारा जीवन निरर्थक है। हम जीवन पर्यंत सत्य की खोज में भटकते रह जाएंगे। ऐसे में गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान के माध्यम से ही इस भवसागर से पार उतरना संभव है। इस दौरान बलिया, आजमगढ़, चंदौली, मऊ सहित जगह जगह से सिद्धपीठ से जुड़े श्रद्धालुओं के जत्थे ने मठ पर पहुंचकर समाधि दर्शन एवं गुरु दर्शन कर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भुरकुड़ा सिद्ध समाधि स्थल मठ पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। रुका, थोड़ा मिट्टी खोदने लगा और उसमें से एक उसने सिक्का सा निकाला। मैंने कहा क्या है? बोले ये मिट्टी में थोड़ा थोड़ा चमक रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा जरूर कुछ है। तो मैंने कहा क्या है? बोले चांदी का सिक्का। मणि स्वयं प्रकाश होती है, जितनी भी मणियां हैं उनका स्वयं प्रकाश होता है। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर शिवार्चन होगा, तिरुद्र होगा, सहस्र चंडी होगी, ये वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से, वैदिक आचार्य के माध्यम से हम सब लोग नित्य निरंतर आराधना उपासना करेंगे। आप सब भी अपने अपने घरों में, ये जो सावन का मास आने वाला है,